प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार निवेशकों को बेहतर और भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराने और उन्हें स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। 5 साल में जीडीपी में ऐतिहासिक तरीके से वृद्धि होगी और बेहतर परिणाम आएंगे, इसको लेकर टारगेट तय किए जा रहे हैं। पिछली सरकार के समय निवेशकों को तरह तरह से परेशान किया जाता था, जिसके कारण निवेशक परेशान होकर वापस चले जाते थे। विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक प्रमोशन का माहौल, उनके लिए उनको कोऑपरेट करने वाला माहौल स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है, ताकि प्रदेश की जीडीपी को जो हमने लक्ष्य रखा है कि आने वाले 5 सालों में 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ पहुंचाना, उसको हम सुनिश्चित कर सकें, इसके लिए इन्वेस्टर्स का आना बहुत जरूरी है। इसमें टारगेटेड वे में कहाँ कहाँ क्या क्या संभव है, उस दृष्टिकोण से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इससे निश्चित रूप से परिणाम बेहतर आएंगे। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट भी होगा, जीडीपी भी एक ऐतिहासिक तरीके से आगे बढ़ेगा। पिछली सरकार के समय हर जगह भ्रष्टाचार था, माफिया राज था, कोई इन्वेस्टर भी आता था उसको तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम करते थे, उसके कारण से इन्वेस्टर्स या तो दूर से ही भाग जाते थे, आए वो भी काफी प्रताड़ित हुए।